मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज कम्युनिकेशन. ओके, देन व्हाट इज कम्युनिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज दैट वी जैसे मैं अब आपको कुछ बता रही हूँ या आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन. दैट इज अ सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल एंड लाइव एग्जाम्पल टू यू. ओके, दैट इज कम्युनिकेशन. अब मेरे माइंड में जो है मैं आपको बता रही हूँ, आपके माइंड में जो है वो आप पूछ रहे हो, दैट इज कम्युनिकेशन. ओके, आगे हम पढ़ेंगे. अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन. सिंपल जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, जिसमें हम अगर एक दूसरे से कोई बात कर रहे हैं, हम वो किसी भी मीडियम की हेल्प से कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मीडियम की हेल्प से, या फिर अगर हम फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी एक क्या है, कम्युनिकेशन है. ठीक है, अभी मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ वो मैं किसकी हेल्प से कर रही हूँ, मोबाइल की हेल्प से. ठीक है, तो वो क्या है आपका कम्युनिकेशन मीडियम इस टाइम, क्या है, मोबाइल. ओके, क्लियर? इतना आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे. इसके बाद सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन. कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले तो होता है एक सेंडर, ठीक है, और दूसरा होता है रिसीवर. जैसे अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ कम्युनिकेशन पे, तो मैं कौन हूँ, सेंडर, और आप कौन हो, रिसीवर, और बीच में क्या जा रही है, इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो वो बन जाती है कम्युनिकेशन. क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन. तो इसकी डेफिनेशन आप ये पढ़ोगे, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर. अब इसमें एंटिटी वर्ड को देख के आपने कन्फ्यूज नहीं होना. एंटिटी मतलब वन पर्सन भी हो सकता है, वो वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर भी हो सकता है. तो दैट इज अ मशीन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ मैन, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है एंटिटी में. ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन मशीन टू वन एंटिटी टू अनदर. अगर हम इसमें सिर्फ खाली मशीन लिखेंगे ना, तो फिर मशीन्स की बात ही होगी. तो इसलिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है, इस वर्ड में सारे आ जाते हैं, ह्यूमंस भी, मशीन्स भी. ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वन एंटिटी टू अनदर, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पे जब कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन. ईजी है ना, इतना इतना समझ आ गया बेटा. उसके बाद पढ़ेंगे अब हम. इसके बाद अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर. अब देखो ये जो है ये क्या है, ये सेंडर है जिसपे एस लिखा है और यहाँ पे आर लिखा है, तो ये क्या है, रिसीवर है. अब इसने, सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा और रिसीवर ने सेंडर को फीडबैक दिया. ठीक है, जैसे मैं अब आपको कम्युनिकेशन पे वीडियो बना के भेज रही हूँ, ठीक है, आप मुझे फिर फीडबैक दोगे कि मैम अच्छी थी या मैम हमें समझ नहीं आया, दैट इज़ योर फीडबैक. ओके, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया. तो ये सब क्या होता है, ये पूरा क्या है, ये पूरा है कम्युनिकेशन. क्या है, कम्युनिकेशन, समझ आ गया बेटा. उसके बाद मैं ये आपको पिक्चर्स की हेल्प से करवा रही हूँ ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, और ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आपको बहुत बहुत ईजिली आप इसको कर लोगे. ठीक है, उसके बाद अब है कम्युनिकेशन मीडियम जो है, हम मीडियम, जैसे मोबाइल अब एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ. ठीक है, ये मीडियम पहले अर्ली डेज में, यानी कि पुराने दिनों में कौन से मीडियम यूज़ होते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इसमें मैंने आपको दो एग्जांपल बताए हैं. एक है पीजन्स का, पीजन्स मतलब कबूतरों का, और दूसरा है पोस्ट कार्ड का. ठीक है, पीजन्स मतलब इसमें क्या करते थे, कबूतर के पैरों पे स्लिप्स लगा के देते थे. जैसे देखो ये स्लिप्स लगी हुई हैं इनके पैरों पे, ठीक है, एक इनके पंखों पे ऐसे स्लिप लगा देते थे, और जब ये कबूतर इनको उड़ा देते थे, फिर ये स्लिप्स जहाँ उनको भेजनी थी वहाँ पहुँच जाती थी, वहाँ कबूतर चले जाते थे. तो मतलब पहले ऐसे यूज़ करते थे कम्युनिकेशन को, एक दूसरे को मैसेज भेजने हैं तो इसकी हेल्प से भेजते थे. और दूसरा है पोस्ट कार्ड. ठीक है, पोस्ट कार्ड में क्या होता था, लेटर लिख देते थे और फिर उसको पोस्ट कर देते थे, वो होता था. ठीक है, आजकल पोस्ट होते जो हैं पोस्ट कार्ड यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ होते हैं. ठीक है, तो अर्ली डेज़ में आपको, अर्ली डेज़ के अगर एग्जाम्पल बताऊँ तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ये बताने के लिए कि पहले कम्युनिकेशन कैसे होती थी. और आजकल, आजकल तो इतनी वास्ट हो गई है कि आप जैसे भी कहीं पर भी बैठ के किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. ठीक है, तो अब आज की बात करेंगे हम. ये देखो ये आज का है कम्युनिकेशन मीडियम जो अब यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे ट्विटर है
ये ट्विटर है, आपको पता है ना ये ट्विटर का साइन है, यूट्यूब है, फेसबुक है, पिनइंटरेस्ट है, ऐसी कई सारी ऐप्स बन गई हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली घर बैठे हुए, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, दीज आर जिनसे आप कभी भी कहीं पर भी आउट ऑफ वर्ल्ड भी बैठ के किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। इतना ये तो आपको पता ही होगा, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये सब कुछ करते हो, नॉर्मली करते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका है, मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस टाइप की हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आपको पता है फेसबुक व्हाट्सएप पे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं, टेलीफोन से भी बात होती है, टू वे रेडियो से भी बात होती है, और रिटर्न एड्रेस डॉक्यूमेंट्स भी किस किस टाइप से। अब रिटर्न एड्रेस डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाएंगे, जितने भी लेटर्स होते हैं आप जो मेल करते हो, मेल्स भेजते हो, बक मेल्स होती हैं, बक मेल्स मतलब कि जो अनएड्रेस्ड होती हैं, जो एड्रेस पे नहीं पहुंचती, पोस्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी क्या हैं, ये सारे हैं रिचर मीडियम। रिचर मीडियम मतलब कि जो अब यूज़ होती हैं, फेस टू फेस बातें करनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी, टेलीफोन से बातें करनी। अब टेलीफोन तो थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है, टू वे रेडियो भी थोड़ा पुराना है, पर आजकल क्या है, फेस टू फेस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेल्स भेजनी एक दूसरे को, ठीक है, प्रोफेशनल मेल्स भेजनी। और अगर हमें यूट्यूब पे अपना कोई चैनल बनाना है, चैनल बना सकते हैं हम, ठीक है। और लेस इफेक्टिव क्या है, ये तो है बहुत इफेक्टिव रिचर मीडियम, लेस इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें भी जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, जैसे आजकल टेलीफोन वगैरह हम यूज़ नहीं करते, मोबाइल आ गए हैं उसकी जगह पे, तो वो लेस इफेक्टिव होती जा रही हैं। जो चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं वो लेस इफेक्टिव होती जा रही हैं, और जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं वो मोर इफेक्टिव। आप देख रहे हो मोर इफेक्टिव पे क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है ये, और लेस इफेक्टिव पे रेड हो रहा है। तो लेस इफेक्टिव इसमें रेड वाली चीज़ जो होगी वो क्या होगी, लेस इफेक्टिव जो ग्रीन वाली चीज़ है वो मोर इफेक्टिव, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बुक से रीड करेंगे बेटा। आपकी जो बुक है कोड 402 CBSE की बुक है ये, आपको इससे पढ़ना है। और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इसके राइटर का नाम है सुमिता अरोड़ा, ओके। और बुक है आपकी कोड 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको समझा दिया कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद अब हम इसमें डीपली बताया हुआ है, इसमें जैसे इंट्रोडक्शन में है, वेदर वी रियलाइज इट और नॉट वी आर कम्युनिकेटिंग ऑल द टाइम, हम रियलाइज़ करें या ना करें हमें पता है कि हम हमेशा ही हर टाइम हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। वेदर वी स्पीक, जब भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं फ़ोन से, ठीक है, लाइक अ पोस्ट, किसी को कोई पोस्ट भेजनी, राइट ईमेल एटसेट्रा, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, हम एक तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हम डायरेक्टली करें यानी कि फेस टू फेस करें, चाहे हम इनडायरेक्टली करें, चाहे हम वर्बली करें, चाहे हम नॉन वर्बली करें। तो ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन है एक तरह से भी, हम अगर नॉर्मली बात भी कर रहे हैं तो वो एक तरह से क्या है, कम्युनिकेशन है। तो इसके चार मीडियम याद रखना, चाहे हम उसको डायरेक्टली करें, इनडायरेक्टली, वर्बली एंड नॉन वर्बली, समझ आया। डायरेक्टली मतलब फेस टू फेस, इनडायरेक्टली मतलब किसी मीडियम की हेल्प से, वर्बली मतलब जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, और नॉन वर्बली मतलब जिसमें हम हिंट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इन दिस सेक्शन विश यू शैल लर्न अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी नॉर्मली यूज़। अब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से वेज होते हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला वे है वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स बींग एबल टू टेल अदर पीपल, being able to tell other people what you want to say, ठीक है, communication का मतलब है जिससे हम दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। expressing our feelings, अपनी feelings को express करते हैं हम, ठीक है, passing on information or influencing other people opinions, इससे हम अपनी information को तो pass कर रहे हैं, साथ में हम उन लोगों को influence कर रहे हैं। influence मतलब किसी को आत्मविश्वास बढ़ाना, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने ओपिनियन से, अपनी हम चीज़ों से, जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है कि हमें ऐसे करना चाहिए, वही हम चीज़ें दूसरों को सिखाते हैं, ठीक है। तो उससे हम दूसरे बाकी लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि उनकी आत्मविश्वास उनका बढ़ता है, ठीक है। आर ऑल पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब किसका पार्ट है, कम्युनिकेशन का,
समझ आया कि जब भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने मैसेजेस को पास करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे हम बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके वेज देखते हैं। वेज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहला वेज का कौन सा है? पहला वेज का है वर्बल फॉर्म, दूसरा है नॉन वर्बल फॉर्म, तीसरा है रिटन फॉर्म, और चौथा है विजुअल फॉर्म। वर्बल फॉर्म का मतलब जिसमें आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, नॉन वर्बल फॉर्म का मतलब जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो विद योर बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर्स, गेस्चर्स एंड टोन, अपनी टोन से, ठीक है, अपनी पिच से आप जब कम्युनिकेट करते हो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेट कहते हैं, यानी कि जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं हो रहा, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखा जा रहा है, ठीक है, आपके टोन को देखा जा रहा है कि आप जैसे बोलते हो आपकी टोन कैसी है, ठीक है, आपकी पिच को देखा जा रहा है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? नॉन वर्बल फॉर्म। उसके बाद थर्ड है रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में आपका क्या होता है? रिटन फॉर्म में कम्युनिकेटिंग यूजिंग हैंड रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। जब भी हम किसी को रिटन कोई नोट भेजते हैं तो वो कौन सी होती है? रिटन फॉर्म। जैसे हमने कोई लेटर सेंड किया है, कोई मैसेज सेंड किया है, तो वो कैसे कर रहे हैं? रिटन। तो वो कम्युनिकेशन कौन सी होती है, उसका वे कौन सा है? रिटन। विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म का मतलब है कम्युनिकेशन वाया पिक्चर्स, लोगोस, पोस्टर्स, मैप्स और चार्ट्स। जब हम चार्ट्स की हेल्प से, मैप्स की हेल्प से, पोस्टर की हेल्प से, लोगोस की हेल्प से या पिक्चर्स की हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं, उसे बोलते हैं विजुअल फॉर्म, ठीक है। तो ये चार वेज हैं, आपको समझ में आया। सबसे पहली वे है वर्बल फॉर्म, जिसमें हम इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल फॉर्म, जिसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, गेस्चर से, टोन से और पिच से कम्युनिकेट करते हैं। और रिटन फॉर्म, जिसमें हम लिख लिख के लेटर सेंड करते हैं, ठीक है। और फोर्थ है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म मतलब जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग पिक्चर्स, लोगोस, पोस्टर्स एटसेट्रा, ठीक है।